राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर कांग्रेस का आलाकमान लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। राजनीतिक पंडितों की माने तो आलाकमान को जो रिपोर्ट मिल रही है उसमें इस बात का साफ तौर पर जिक्र है कि सचिन पायलट को साथ लेकर नहीं चलने से लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ेगी। ऐसे में पायलट को साथ रखना इस समय वक्त की डिमांड भी है और कहिए तो कांग्रेस की एक मजबूरी भी। अब जब पायलट बनाम गहलोत का विवाद चल रहा है, ठीक इसी समय में छत्तीसगढ़ में एक ऐसे ही विवाद को सुलझाने में कांग्रेस आलाकमान को कामयाबी मिली। वहां सिंहदेव और बघेल गुट में सब कुछ ठीक होने का संकेत देते हुए कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बना दिया है। ऐसे में अब राजस्थान में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या पायलट को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और क्या पायलट इसके लिए तैयार होंगे। बताया जा रहा है कि पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस ने 3 विकल्प तैयार किए हैं। विकल्प नंबर 1, पहला विकल्प ये है कि पायलट को राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस की सुप्रीम बॉडी यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाने के साथ विधानसभा चुनाव की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने का है। इस फॉर्मूले पर पहले से भी चर्चा हुई थी। दूसरा विकल्प यह है कि पायलट को फिर से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए और उनके खेमे के किसी विधायक को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, लेकिन गहलोत का खेमा इसका विरोध कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अशोक गहलोत खुद के खेमे के नेता की जगह पायलट का विरोध करते आ रहे हैं। अशोक गहलोत का कहना है कि चुनावी साल में मौजूदा पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह को बदलने का मतलब ये है कि जाट वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगा सकती है, उनके वोटर्स नाराज हो गए। हालांकि पार्टी आलाकमान इस बात पर चर्चा कर रहा है कि क्या डोटासरा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं विकल्प नंबर 3, जो तीसरा विकल्प है। उसके अनुसार राहुल गांधी जब मणिपुर दौरे से वापस लौटे तब सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को आमने सामने बैठा कर उनसे बातचीत करें, उनके मतभेदों को दूर कराया जाए। इस बात पर भी विचार किया जाए कि क्या पायलट को अगले चुनाव के लिए सीएम का चेहरा बनाया जाना है या नहीं, तो ये तीसरा विकल्प। आपको बता दें कि गहलोत और पायलट के विवाद की तुलना छत्तीसगढ़ सीट से में किया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो दोनों जगहों के हालात में काफी अंतर है। सिंहदेव नाराज थे लेकिन कभी तल्ख नहीं हुए थे। पार्टी छोड़ने या नई पार्टी बनाने जैसा दबाव उन्होंने कभी भी आलाकमान पर नहीं डाला, लेकिन राजस्थान में पायलट नाराज थे और समय समय पर वो विद्रोह करते भी आ रहे थे, चेतावनी भी दे रहे थे। दोनों के झगड़े को सुलझाने के लिए आलाकमान ने पिछले महीने एक बैठक भी की थी जिसमें पायलट और गहलोत दोनों नेता मौजूद थे। इस बैठक का असर यह हुआ कि उसके बाद दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ नरमी से पेश आए। तल्ख बयान दोनों ने नहीं दिए और इससे उन्होंने परहेज की। कहा जाए तो सियासी सीज फायर की राह दोनों नेताओं ने यहाँ पर अपनाई। ऐसे में उम्मीद है कि पायलट के इतने दिन तक शांत रहने के बाद आलाकमान अब इनको इनाम देने वाला है। आखिरी में आपको बता दें कि वो कौन कौन सी मांगे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिसको लेकर पायलट आए दिन गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे। उनकी पहली मांग है आरपीएससी भंग किया जाए। दूसरी उनकी मांग थी कि पेपर लीक मामले में जो प्रभावित युवा हैं उनको मुआवजा दिया जाए। तीसरी उनकी मांग थी कि वसुंधरा सरकार में जो कथित घोटाले हुए हैं उनकी जांच की जाए। और इन तीनों ही मांगों को लेकर आए दिन सचिन पायलट आंदोलन की चेतावनी देते रहे हैं और अब देखना होगा कि पार्टी में जब उन्हें नया पद मिलेगा उसके बाद इन मुद्दों को लेकर उनके तेवर कैसे रहते हैं। बाकी इसको लेकर अभी क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। और तमाम अपडेट्स की